Assalamu alaikum, this is Varda Aman from Services Institute of Medical Sciences. Welcome to Medical Globe e-learning. Today I'll guide you about Chapter 9, Summary of Cranial Nerves. Cranial nerves sab yaad karna bahut mushkil hai aur confusing hai, isliye mix ho jati hai. Yahan se aapko 2 MCQs confirm aane hai, SCQ variable hai, aaye shayad na aaye. Viva mein bhi ye bahut puche jate hai. Overview ke andar aapne inke jo components hai, brachiomotor, visceral, सेंसरी, उनका क्या मतलब है वो रीड करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है. और उसके अलावा जो सेंसरी हैं, मोटर हैं और मिक्स्ड हैं, वो कौन कौन सी है ये याद रखना है, क्योंकि वो वाइवा में हमेशा और लाजमी पूछे जाते हैं. उसके बाद आपने ये सारी स्किप करके आ जाना है टेबल 9.1 आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है. इससे समझना है कि किस कौन कहाँ से निकल रही है, उसकी जनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो मिक्स है मोटर. उसके बाद जो टेबल आपने याद करना है ना, वो है टेबल 9.2. 9.2 की सारी चीज़ें आपने याद करनी है. इनके एग्जिट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिए. उसके अलावा ये वाइवा और एससीक्यू में भी पूछा जा, एससीक्यू के अंदर बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन वाइवा एमसीक्यू में बहुत पूछा जाएगा. उसके बाद ये उसी टेबल की कॉन्टिन्यूएशन के बाद आ जाते हैं हमारे पास गैंग्लियॉन्स. गैंग्लिया वाइवा और एमसीक्यू दोनों में इंपॉर्टेंट है, और ये एससीक्यू भी आ सकता है. गैंग्लिया के अंदर आपने देखना है कि इनकी लोकेशन कहाँ, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फिर इनकी रूट्स, पैरासिम्पथेटिक रूट कहाँ से आ रही है और सिम्पथेटिक, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन. लोकेशन ऑर्टिक गैंग्लियॉन की बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्टिक की कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिलरी की भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है. इनको आप डी डी से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और यहाँ से भी फाइनल समरी याद कर सकते हैं. उसके अलावा ना कुछ नर्व्स आपने पूरी करनी है. उसके अंदर आती है ट्राइजेमिनल नर्व, ये यू क्यू रेस्ट चुका है, इसकी ब्रांचेस आपको इन्यूमरेट करने के लिए कहते हैं वो, तो ये आपने लाजमी करना है. वाइवा में बहुत पूछा जाता है, इसकी सारी ब्रांचेस पढ़नी, इनकी ब्रांचेस की फर्दर जो डिविजन हैं और ये किन किन को सप्लाई करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये वाला टेबल 9.4 वाइवा, एससीक्यू, एमसीक्यू तीनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर यहाँ पर जो फर्दर हमारे पास आती है फेशियल नर्व, फेशियल नर्व भी आपने सारी करनी है. इसके ब्रेकियो मोटर कॉम्पोनेंट को लाजमी पूछा जाता है एससीक्यू और वाइवा के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है ही. फिर उसके बाद ये डायग्राम्स आप समझने के लिए करनी है. ये वाले फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों. पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन ऑफ द 7th नर्व, ये आपने लाजमी करनी है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्लॉसोफ्रेंजल. ग्लॉसोफ्रेंजल नर्व अगेन इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी देखनी है. फिर वेगस नर्व, वेगस नर्व की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वेगस नर्व की ब्रांचेस का एक टेबल है, वो आपने करना है. ये रहा वो टेबल, टेबल 9.5. ये आपको एसीक्यूज में पूछा जाएगा, और वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि जो वेगस नर्व है ये कहाँ तक इसकी सप्लाई है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक. तो जो डिस्टल कोलोन है ना, वहाँ तक वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है. ये आप अगर फिगर्स देखोगे एटलस की, तो आपको ये चीज़ें अच्छी याद रह जाएंगी. उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर. सारी नर्व्स की क्लिनिकल एनाटॉमी याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं और फिर उस वक्त समझ नहीं आ रही होती क्या करें. लास्ट ईयर भी एमसीक्यूज आए हैं, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप टेबल 9.6 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. ये बहुत अच्छी समरी दी हुई है, और इधर से सब कुछ कवर हो जाता है. आपने टेबल 9.6 करना है बहुत अच्छे से, फिंगर टिप्स पे रखना है. ये याद रखना है कि किस नर्व को कहाँ पे डैमेज हो, किस पॉइंट पे, क्या वो उसका एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, या दरमियान में कोई जगह है जहाँ पे वो इंजर हो रही है या उसको ट्रॉमा हो रहा है, और फिर उसे क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपने याद रखने हैं लाजमी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टेबल 9.6 आपने बहुत अच्छे से करना है. उसके अलावा ये बाकी आप, अगर आपके पास टाइम हो तो आप रीड कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है उस टेबल के बाद. फॉर फर्दर एमसीक्यू एंड एससीक्यू कवरेज टू कंसल्ट मेडिकल ग्लोब क्रैक सीरीज. थैंक यू सो मच. Medical Globe introduces its series of successful publications, MBBS Cracks, the benchmark of all, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all annual and supply solved university questions, questions to ace your vivas, chapter polls, and of course, we have incorporated all the labeled and histologic and anatomic models in high resolution for your distinction level OSPRI preparations. Medical Globe has also launched a gem in the medical world to master every concept for your multiple choice questions, the MCQ cracks encompassing UHS, NAMS, and many others, revealing the UHS MCQ rank
You practice MCQs and topic-wise MCQs. Get your MCQ and MBBS cracks at your doorstep by placing your order at 0335-66-33007.